What's up everybody, welcome back to another video। आज किस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट के बारे में। आप लोगों का बहुत सारा डाउट आ रहा है कि मेरा जो OBC NCL का सर्टिफिकेट है वो किस तरह का होना चाहिए, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, जनरल EWS का सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में होना चाहिए, किस तरह से हम चेक करेंगे कि कैसा सर्टिफिकेट दिखेगा, और SC ST के सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे, पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन होने वाला है, कहां से आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट से ये सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, कहाँ से बनवाना है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, ये आपके ब्लॉक में बनाया जाता है, आप अपने ब्लॉक में जाके बनवा सकते हो या फिर DM ऑफिस में जाके बनवा सकते हो। तो ये मैंने क्लियर कर दिया। तो बहुत कुछ है जानने के लिए आपको इस वीडियो में, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोज़ के अपडेट के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सर्च कर लो @PallavasuFilms। आपको बता दूँ जे एडवांस एग्जामिनेशन के बाद जो आपका काउंसलिंग होगा तो कास्ट सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, तभी आपको रिजर्वेशन दी जाएगी। तो ये सर्टिफिकेट चेक करने के लिए आपको सिंपली जे एडवांस के वेबसाइट पे आना है, यहाँ से आपको फॉर्मेट मिल जाएगा किस तरह का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप देख सकते हो जे एडवांस का ये ऑफिशियल वेबसाइट है और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद यहाँ से आपको सर्टिफिकेट फॉर्मेट के लिंक पे क्लिक करना है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट आ जाना। जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे एक जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है वो दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है सिंपली। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे देख सकते हो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर 2 सितंबर को रिलीज़ किया गया है, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में है, तो आप सिंपली इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं एक बार आपको ओपन करके दिखा देता हूँ इसको, ये किस तरह का है। ये एक आपका PDF फॉर्मेट में है, तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लोगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो टेबल ऑफ कंटेंट जे एडवांस का इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है, तो इसमें बहुत कुछ है आप लोगों के लिए जो कि डिटेल्स में है। मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पे लेके जाता हूँ आपको और दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपका एनेक्चर सर्टिफिकेट फॉर्मेट है, यहाँ पे 58, 59, 61, PWD, 62, 63, इन सभी को देख सकते हो। यहाँ से आप इसे डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। अब आइए इनके PDF पे चलते हैं और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊँ ये पेज नंबर 21 है और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, एडमिशन से रिलेटेड जनरल EWS कैटेगरी के लिए जो सर्टिफिकेट है वो इशू होना चाहिए 1 अप्रैल 2020 के बाद, और इसमें जो कॉन्सनेंस है विद द लेटेस्ट गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत बना हुआ होना चाहिए। तो जो आपका सर्टिफिकेट में लिखा हुआ रहता है गवर्नमेंट ऑफ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ये बना होना चाहिए। अगर कोई भी कैंडिडेट जनरल EWS कैटेगरी से है और वो इस सर्टिफिकेट को इशू नहीं करता या फिर बनवाता नहीं है आफ्टर अप्रैल 01, तो उनका ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन होगा उस पर इफेक्ट हो सकता है। तो आपने अगर सर्टिफिकेट पहले से बना रखा है तो आप फिर से बना लो, आपका नया सर्टिफिकेट होना चाहिए आफ्टर अप्रैल 01, 2020, और इसे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के वक्त वहाँ पे अपलोड भी करना होगा, तो इस बात का ध्यान रखना। अब बात करें जो आपका OBC NCL के बच्चे हैं उनके लिए, तो इनका भी सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेटेस्ट गाइडलाइंस के हिसाब से बना होना चाहिए और लेटेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो कॉन्सनेंसेस हैं उनके हिसाब से होना चाहिए, और OBC NCL सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए आफ्टर अप्रैल 01, बिफोर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही एनसी मेड अपलोड डिक्लेरेशन फॉर्म। आपने जे एडवांस जो एग्जामिनेशन उसमें डिक्लेरेशन वाला वो किया होगा, तो आप ये सर्टिफिकेट बनवा लो एकदम लेटेस्ट वाला, जो कि 1 अप्रैल के बाद वाला होना चाहिए, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत बना हुआ होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के तहत नहीं होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए। आप अगर चेक करना चाहते हो कि लेटेस्ट गाइडलाइंस क्या है, तो www.ncbc.nic.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, सेंट्रल लिस्ट ऑफ स्टेट वाइज OBC के वहाँ पे डिटेल्स हैं। फिर बात करें कैंडिडेट्स जो SC ST कैटेगरी में है, तो वो भी एज पर द लेटेस्ट गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत उनका बना हुआ होना चाहिए, और फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना होना चाहिए PWD कैंडिडेट्स का, तो उस बात का आप लोग ध्यान रखना। अब आइए देखते हैं कि सर्टिफिकेट फॉर्मेट क्या है। जैसा कि आप देख सकते हो एनेक्सर 2 सर्टिफिकेट फॉर्मेट, तो ये पेज नंबर 59 है। उसके बाद मैं नीचे करता हूँ आप लोगों के लिए, और यहाँ पे आ गया आपका जो
फॉर्मेट है जनरल ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट का, वो ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ डैश नेम एंड एड्रेस ऑफ द अथॉरिटी इशूइंग द सर्टिफिकेट। तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत बनाना, अपने ब्लॉक में जाके उनको बोलना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला बनवाना है, तो वो सर्टिफिकेट फॉर्मेट ये आपका होना चाहिए। ये आपका फॉर्मेट है जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स के लिए। सर्टिफिकेट नंबर, डेट, वैलिड फॉर द ईयर, तो इसमें लेटेस्ट ईयर होना चाहिए। यहाँ पे नाम, पिता का नाम, परमानेंट एड्रेस, आपका विलेज, स्ट्रीट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सभी चीज़ें होना चाहिए। और आपका जो फैमिली इनकम है वो इस फाइनेंशियल ईयर में क्या है, या फिर वो आपके जो अथॉरिटीज़ हैं वो भर के देंगे। ये सारे डिटेल्स अथॉरिटीज़ भर के देंगे, तो आपको वहाँ पे हेल्प करना होगा उनका, और डिटेल्स प्रोवाइड करके आपको फिल करना है, फिर वो आपके ये सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना, सारे डिटेल्स, सिग्नेचर विथ सील ऑफ ऑफिसर, नेम, डिजिग्नेशन, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देख सकते हो यहाँ पे। द इनकम एंड एसेट ऑफ द फैमिलीज आर मेंशन वुड बी रिक्वायर्ड टू बी सर्टिफाइड बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार इन द स्टेट्स एंड यूटी। तो आपका जो ये सर्टिफिकेट है अच्छे ऑफिसर से होना चाहिए, बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, और इससे नीचे का नहीं होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना, इस तरह का आपका सर्टिफिकेट फॉर्मेट होना चाहिए। और भी डिटेल्स है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए क्या क्या गाइडलाइंस रखी गई है। उसके बाद बात करें फॉर्मेट ओबीसी एनसीएल की, तो ये आप देख सकते हो, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस एनसीएल अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब एक बच्चे ने पूछा कि मैं कैसे डिसाइड करूँ कि मैं ओबीसी में हूँ कि नहीं, तो यार आप अपने फादर से पूछो आप कौन से कैटेगरी में हो, जनरल ओबीसी, और आप ओबीसी एनसीएल में हो कि नहीं। तो आपकी अगर फैमिली इनकम 8 लाख से बिलो है तो आप जरूर से हो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट में। यहाँ पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन भरना है। अगर आपके पास ये सेम फॉर्मेट वाला सर्टिफिकेट है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है बनाने की, लेकिन अप्रैल 2020 के बाद का होना चाहिए, मतलब 1 अप्रैल 2020 के बाद होना चाहिए। तो इसमें आपका अपना नाम, फादर नेम, डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़न, टाउन, स्टेट, और कौन से कम्युनिटी, मतलब ओबीसी एनसीएल कम्युनिटी से, और डेट, सभी चीज़ लिखना है। फिर यहाँ पे नाम, डेट, नाम और फादर नेम, और आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो सभी चीज़ लिखना है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर, या फिर एनी अदर कमिटमेंट अथॉरिटी से आपको इसको बनवा लेना है। तो इस तरह का आपका होना चाहिए सर्टिफिकेट, मैंने ओबीसी एनसीएल और जनरल ईडब्ल्यूएस की बता दी है। आप अपने ही स्टेट में बना सकते हो, ब्लॉक में बनवा सकते हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, डिप्टी कमिश्नर के पास बनवा सकते हो। उसके बाद बात करते, देख सकते हो आप एनेक्सर फॉर ओबीसी एनसीएल, तो ये रिजोल्यूशन नंबर और डेट ऑफ नोटिफिकेशन है, तो ये ऑफिशियल आंकड़ा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं, आपको सर्टिफिकेट से मतलब होना चाहिए। उसके बाद जो एससी एसटी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये वाला सर्टिफिकेट है, तो ये फॉर्मेट लेके आप अपने ब्लॉक में जाओ, अपने ऑफिशियल अथॉरिटीज़ के पास जाओ, जो आपको ये सर्टिफिकेट बना के देंगे, मतलब इस पे सील मोहर करके देंगे, और आपका फ़ोटो लगा होना चाहिए। तो ये कुछ सर्टिफिकेट फॉर्मेट है आप लोगों के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट है जेई एडवांस का जो एग्जामिनेशन हो गया, उसका जो जोसा काउंसलिंग में आप रिलैक्सेशन लेते हो, तो आपको ये सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो इस बात का ध्यान देना, उम्मीद है आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर अभी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।